गिनती की पुस्तक अध्याय 15 गिनती की पुस्तक अध्याय 15 अन्न बलियों और अर्घों की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम अपने निवास के देश में पहुंचो जो मैं तुम्हें देता हूं, और यहोवा के लिए क्या होम बलि क्या मेल बलि कोई हव्य चढ़ाओ, चाहे वह विशेष मन्नत पूरी करने का हो, चाहे स्वेच्छा बलि का हो, चाहे तुम्हारे नियत समयों में का हो, या वह चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरियों में का हो, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, तब उस होम बलि व मेल बलि के संग भेड़ के बच्चे पीछे यहोवा के लिए चौथाई हीन तेल से सना हुआ एपा का दसवां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना, और चौथाई हीन दाख मधु अर्घ करके देना, और मेंढे पीछे तिहाई तीन तेल से सना हुआ एपा का दो दसवां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना, और उसका अर्घ यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला तिहाई हीन दाख मधु देना। और जब तू यहोवा को होम बलि व किसी विशेष मन्नत पूरी करने के लिए बलि व मेल बलि करके बछड़ा चढ़ाए, तब बछड़े का चढ़ाने वाला उसके संग आधहीन तेल से सरा हुआ एपा का तीन दसवां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाए, और उसका अर्घ आधहीन दाख मधु चढ़ाए, वह यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य हो। एक एक बछड़े व मेंढे व भेड़ के बच्चे व बकरी के बच्चे के साथ इसी रीति चढ़ावा चढ़ाया जाए। तुम्हारे बलि पशुओं की जितनी गिनती हो उसी गिनती के अनुसार एक एक के साथ ऐसा ही किया करना। जितने देशी हो वे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य चढ़ाते समय ये काम इस रीति से किया करे। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे संग रहता हो व तुम्हारी किसी पीढ़ी में तुम्हारे बीच कोई रहने वाला हो और वह यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य चढ़ाना चाहे, तो जिस प्रकार तुम करोगे उसी प्रकार वह भी करे। मंडली के लिए अर्थात तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही विधि हो। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह सदा की विधि ठहरे कि जैसे तुम हो वैसे ही परदेशी भी यहोवा के लिए ठहरता है। तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशियों के लिए एक ही व्यवस्था और एक ही नियम है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना कि जब तुम उस देश में पहुंचो जहां मैं तुमको लिए जाता हूं और उस देश की उपज का अन्न खाओ, तब यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट चढ़ाया करो। अपने पहले गूंधे हुए आटे की एक पपड़ी उठाई हुई भेंट करके यहोवा के लिए चढ़ाना। जैसे तुम खलिहान में से उठाई हुई भेंट चढ़ाओगे वैसे ही उसको भी उठाया करना। अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने पहले गूंधे हुए आटे में से यहोवा को उठाई हुई भेंट दिया करना। फिर जब तुम इन सब आज्ञाओं में से जिन्हें यहोवा ने मूसा को दिया है किसी का उल्लंघन भूल से करो, अर्थात जिस दिन से यहोवा आज्ञा देने लगा और आगे की तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में उस दिन से उसने जितनी आज्ञाएं मूसा से दी है, उसमें यदि भूल से किया हुआ पाप मंडली के बिना जाने हुआ, तो सारी मंडली यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाले होम बलि करके एक बछड़ा और उसके संग नियम के अनुसार उसका अन्न बलि और अर्घ चढ़ाए, और पाप बलि करके एक बकरा चढ़ाए, तब याजक इस्राएलियों की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करे और उनकी क्षमा की जाएगी, क्योंकि उनका पाप भूल से हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए अपना चढ़ावा अर्थात यहोवा के लिए हव्य और अपना पाप बलि उनके सामने चढ़ाया। सो इस्राएलियों की सारी मंडली का और उसके बीच रहने वाले परदेशी का भी वह पाप क्षमा किया जाएगा, क्योंकि वह सब लोगों के अनजान में हुआ।
फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे तो वह एक वर्ष की एक बकरी पाप बलि करके चढ़ाए और याजक भूल से पाप करने वाले प्राणी के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। सो इस प्रायश्चित के कारण उसका वह पाप क्षमा किया जाएगा जो कोई भूल से करे, चाहे वह इस्राएलियों में देशी हो, चाहे तुम्हारे बीच परदेशी होकर रहता हो, सबके लिए तुम्हारी एक ही व्यवस्था हो। परंतु क्या देशी क्या परदेशी, जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए। वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा टालने वाला है, इसलिए वह प्राणी निश्चय नाश किया जाए, उसका अधर्म उसी के सिर पड़ेगा। जब इस्राएली जंगल में रहते थे उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पत्थरवाहा करें। सो जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी के बाहर ले जाकर पत्थरवाह किया और वह मर गया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के कोर पर झालर लगाया करना और एक एक कोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए और तुम उसका पालन करो और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार न करते फिरो जैसे करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरू। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं।